हेलो गाइस, मैं हूं अमित। और पानी तो आप लोग भी पीते होंगे भाई साहब, पानी तो हर कोई पीता है, लेकिन ये जो पानी जो कि हम पीते हैं वो किसी चीज को काट भी सकता है। मुझे लगता है आपने भी ऐसा नहीं सोचा होगा, लेकिन भाई जो पानी है वो सच में किसी चीज को काट सकता है। और आज की वीडियो इसी बारे में है, पानी का यूज करके हम कई चीज़ों को काटने वाले और ऐसी चीज़ों को भी काटने की कोशिश करेंगे जो कि सोचना भी मुश्किल है, जैसे कि ईंट। जी हाँ दोस्तों, पानी से ईंट भी काटने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि क्या ये हमारा आइडिया सक्सेस वो हो पाएगा। अगर हो पाता तो बहुत ही मज़ा आएगा। फटाफट से शुरू करते, एकदम यूनिक एक्सपेरिमेंट है, बिल्कुल अलग चीज़ है। तो आप लोग भी वीडियो के लिए लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूल जाना। स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ऐसे तो पानी की पावर का अंदाजा नहीं लगता है, लेकिन अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो भाई जो पानी होता है वो पहाड़ों को भी काट देता है, जमीन को काट देता है। आप कहेंगे कैसे? तो भाई कोई भी नदी का एग्जांपल ले लो, रिवर जो है पहाड़ से निकलती है, नीचे तक जाती है, मिट्टी को काटते वाटते, पत्थरों को काटते चीरते फाड़ते। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इस चीज का डेमो आज मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो भाई जो पानी होता है, अगर हम उसको किसी चीज पर डालते हैं, जैसे मेरे हाथ पर डाल रहा हूँ, तो यार ये ऑब्वियसली नहीं काट रहा। आप भी जो है पानी का यूज़ करते होंगे, लेकिन ऐसे तो ये काटता नहीं है। लेकिन अगर पानी को एक स्पेशल तरीके से इसको डाला जाए हाथ पे या किसी भी चीज़ पे, तो ये काट सकता है, इवन पत्थरों को भी काट सकता है। दोस्तों पानी से किसी चीज़ को काटने के लिए हमको बहुत हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो पानी का प्रेशर है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास है उसके लिए एक जुगाड़। दोस्तों ये है एक वाटर कंप्रेशर। ये जो एक मोटर नहीं है, ये कंप्रेशर है। इसके अंदर पिस्टन सिलेंडर का सिस्टम होता है जो कि पानी को जो है प्रेशर बना देता है। यहाँ पर है पानी, ये है कंप्रेशर और ये बनाएगा प्रेशर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो इनपुट है जिससे इसमें पानी जाता है, उसको डालता हूँ इसमें, और आप लोग देखना कि अब इसमें आएगा पैंकर वाला प्रेशर। ये जो है कार वॉशर है, हाई पावर वाला, देखना है। अबे यार इसको चालू नहीं किया। अरे यार इसको हमने जो है चालू नहीं किया तो प्रेशर नहीं आ रहा था यहाँ पे। गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, दिख रहा है कैमरा में, ये देखो ये जो है भाई साहब कितना जोर से प्रेशर दे रहा है, और मेरे हाथ को ये जो है पीछे की तरफ भगा रहा है। देखना मेरे हाथ में झटका लगेगा जैसे चलाऊंगा। ये देखो और आप लोग जो है यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो, देखना एक बार कि ये कितना तेज है, देखो। तो गाइज ये जो है सच्ची में बहुत ही ज़्यादा तेज प्रेशर दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे सिंपली चीज़ों को काटने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई चलाऊं, पकड़ के रखना, यहाँ हाथ मत लाना, इसका बहुत ज्यादा प्रेशर है, ठीक है। और मेरे ऊपर भी पानी आ सकता है। तो गाइस ये गया घिया में, हाई प्रेशर वाटर, और अंकित टाइट पकड़ के रख, मैं भीग गया पूरा। और आड़ा गाइस यहाँ पर मुंह पे तो लग गया पानी, लेकिन जो लौकी है वो कट चुकी है पानी के प्रेशर से। यार क्या बात है। तो यार लौकी को ये जो है पानी काट रहा है, लौकी को कोई चाकू नहीं है, कुछ नहीं है, वो पानी जो कि आप रोजाना पीते हैं। तो अब बढ़ते हैं इससे थोड़ी सी और हार्ड चीज पर। इस बार बारी है एक बैंगन की। बैंगन बोलते हैं, बताओ बोलते हैं इसको, कोई अच्छे से पकड़ के रखना इसको, कहीं तेरे हाथ पे ना लग जाए, हिलने मत देना ज्यादा, हाथ मत हिला देना जितना ज्यादा, एक जगह पकड़ के रखियो। गाइस जो बताऊ है वो भी उड़ चुका है, ये तो बड़ा जल्दी कट गया यार। यहां पर एक चीज हो रहा है, जितना पास जितना क्लोज इसको रखते हैं ना भाई साहब, उतना ही ये जल्दी कटता है। तो अब बारी है अगले कंटेस्टेंट की, जो कि है सबसे बड़ा सबसे मजबूत एक तरबूज। और सोचो अगर इसको पानी काट देगा
तो इसमें कितना ज्यादा पावर है? दोस्तों तरबूज की जो मोटाई है वो भी काफी ज्यादा है, तो यहाँ पर थोड़ी मशक्कत तो करनी पड़ सकती है, लेकिन यार हम जो है सिर्फ और सिर्फ पानी का यूज करेंगे इसको काटने के लिए। अंकित अच्छे से पकड़ियो, टाइट थोड़ा सा, ठीक है कर रहा हूँ शुरू। आंख वाँख में पानी जा सकता है, टेंशन मत लेना। हाँ, ओ तेरी, अबे यार मुंह में पानी घुस गया। इसमें पानी निकल रहा है? ये क्या हो रहा भाई, इसमें से कैसे पानी निकल रहा है? गैस निकल रही है अंदर। अबे यार मेरे मुंह में आ रहा है तरबूज का पानी, अबे मीठा मीठा लग रहा है, उसमें से पानी जाके वापस आ। देखो भाई और वीडियो के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कार्ड इसको रहे हैं लेकिन पानी हमारे ऊपर आ रहा है वापस, क्योंकि इसमें टकरा रहा है और इतना तेज प्रेशर है कि वो वापस से आ जा रहा है। तो भाई साहब यहां पर हम लोगों ने पानी में तो भीग गए, लेकिन हम लोगों ने तरबूज के दो टुकड़े पानी का यूज करके ही कर दिए, कोई चाकू नहीं, कोई कटर नहीं, सिर्फ वाटर। भाई साहब लाइक बनता है इस चीज के लिए। दोस्तों अगली चीज हमारे पास में पाइनएप्पल, तो आप देख सकते हो कि पूरा जो है पाइनएप्पल वन पीस में है, कहीं से पहले कटा हुआ नहीं है, और हमको क्यों ही काटना है क्योंकि हमारे पास में हमारा पानी वाला कटर है यहाँ पे, ठीक है। तो मारते हैं इस पे वाटर जेट, बस एक बार दिक्कत ज्यादा होती है, इस बार मेरे मुंह में पाइनएप्पल का टेस्ट आया। यार ये हार्ड है, इसकी स्किन जो है ना वो काफी हार्ड है, थोड़ा सा कटा है पर। और आपको पता होगा यार जो पाइनएप्पल है वो कितना ज्यादा हार्ड होता है भाई साहब काटने में, क्योंकि इसके ऊपर की जो स्किन होती है वो बहुत हार्ड होती है। लेकिन यहाँ पर बातों ही बातों में जो पाइनएप्पल है उसके हो चुके हैं दो टुकड़े इसकी मदद से, और अब जो है इसको खाया भी जा सकता है, पाइनएप्पल खराब भी नहीं हुआ क्योंकि ये पानी है और कुछ भी नहीं है। ले पकड़, धूप रखी है भाई साहब बहुत तेज, यार भीग गए ढंग से। लेकिन विटामिन मिनरल जो है एकदम बढ़िया से मिल रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों इस बार बारी है कार्डबोर्ड की, ये जो है एक मोटा कार्डबोर्ड है, गत्ता है, तो भाई गत्ते पर जाएगा प्रेशर। गाइस ये तो बिल्कुल टाइम नहीं लेता गत्ते में, तो देखो ये देखो कितना जल्दी और कितना इजीली इसने जो है गत्ते को काट डाला है, छोटा सा हिस्सा बच गया इसका, ये देखो क्या बात है। एक बार फिर से करियो, इस बार आर पार काटूंगा इसको, ठीक है। हाँ नहीं नहीं ऐसे रखेंगे इसको, बस आर पार काटूंगा मैं। दोस्तों इस बार हमारे पास में है लकड़ी प्लाई बोर्ड के दो टुकड़े, देखते हैं कि क्या इसको ये पानी काट पाए, क्योंकि भाई जो प्लाई बोर्ड होता है वो सच्ची में काफी ज्यादा मजबूत होता है, गत्ता सब्जी इससे बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है, तो क्या इसको ये थोड़ा बहुत भी काट पाएगा। चलो पकड़ अंकित दोनों साइड से, और ये वही प्लाई बोर्ड है जिससे हमने क्या बनाया था, डोमिनोज बनाए थे बहुत पहले, देखो वो कलर भी इस पे किया हुआ, उसी का ये टुकड़ा है एक। चलो ऐसे कैसे भी पकड़ ले, ठीक है ऐसे पकड़ियो, हाँ ठीक है ठीक है ऐसे पकड़ ले। तो गाइज यहाँ पर टाइम ज़रूर लग गया, लेकिन जो लकड़ी है वो इससे कट गई, और हमने जो है पतली डंडी जानबूझ के ली थी ताकि ज़्यादा पानी वेस्ट ना हो, पतली को काटने में जो है कम पानी लगेगा, लेकिन यार फिर भी पानी की मदद से, सिर्फ और सिर्फ पानी की मदद से ये जो डंडी थी एक थी और अब दो हो चुकी है। तो अब उस चीज़ पर आते हैं जिसकी उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर ये चीज़ उस पर ज़रा सी भी काम करी तो आ जाएगा मज़ा।
जबरदस्त वाला, और वो है एक ईंट। दोस्तों ईंट, वही ईंट जिससे घर बनता है। यार कितना पानी आ गया मेरे चश्मे पे, क्या हमारे इस वाटर जेट से ये ईंट जो है इसको कुछ भी डैमेज हो पाएगा? क्या ये इससे थोड़ा सा भी कट पाएगी? देखते हैं। चलो भाई बिना देर किए बिना टाइम लगाए इसको करता हूँ उल्टा। अभी आप लोग देख सकते हैं जो ईंट है वो एकदम ठीक है, इधर से भी और इधर से भी। ये जो है देखो कहीं से कोई टूटी हुई ईंट नहीं है, कुछ नहीं है, वन पीस में है, कहीं से कुछ कमजोर ईंट नहीं है, ठीक है, प्रॉपर ईंट है। और ये जो है यार अब जा करके टूट गई है। कोई नहीं, दूसरी दे दो मुझे। वैसे गाइज ये जो है झटका मारने पर टूट गई क्योंकि ईंट वगैरह इनकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होती है। देखो अब दोबारा ना तोड़ दूं मैं इसको। ये भी जो है वही नॉर्मल ईंट है, ठीक है। सेफ्टी लगा के रखना, इसमें छोटा मोटा पत्थर वगैरह आ सकता है। ले बारिश। अबे यार बहुत ज्यादा पानी भर गया आंखों में। तो भाई साहब देखो गाइस, यहां पर जो ईंट है वो पहले एकदम सही थी और अब जो ईंट है वो यहां से कट चुकी है। और गाइस ये जो है वास्तव में बड़े ही कमाल की बात है भाई साहब। सोचो जो ईंट है वो कितनी मजबूत चीज होती है, पूरा मकान बनता है ईंट पे, और वो पानी से कट रही है आपके सामने। दोस्तों इस ईंट को पूरा काटने में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा हमारे इस वाटर जेट से, क्योंकि ये गाड़ी धोने के काम आता है जनरली। हाई प्रेशर से पानी देता है लेकिन एक्सट्रीमली हाई से भी नहीं देता है, तो इस वजह से। लेकिन भाई साहब ये कमाल की बात है कि इसने ईंट को इतना काट दिया। पहले मैंने यहां लगाया था, देखो यहां भी काटा था, और यहां पे तो कितना ज्यादा काटा है सिर्फ पानी के प्रेशर ने। और मेरी हालत भी आप लोग जो है देख सकते हो, ढंग से जो है पूरा भीग गया, मेरे हाथ पैर जूते वूते क्या क्या बताऊं, हर चीज में पानी भरा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपने एक नई चीज देखी होगी। थोड़ा सा बात कर लेते कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है, किस वजह से ये जो है पानी चीजों को काट पा रहा है। तो भाई पानी जो है इस नोजल के अंदर से, ये जो हमारे पास में नोजल है इसके अंदर से बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे बाहर निकलता है। देखना ये देखो, ये देखो कितना तेज, देखो देखो देखो, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ में, बहुत ज्यादा स्पीड रफ्तार के साथ में निकलता है। और वो स्पीड से जब पानी किसी दूसरी चीज पर टकराता है ना, तो वहां टकरा करके ये उस चीज पर टक्कर मारता है। पानी जो है जो नॉर्मली कुछ नहीं करता, वो टक्कर मारता है बहुत तेज और उस चीज को उखाड़ देता है, उसको फाड़ देता है बेसिकली, जहां पर लगता है उसके साथ फ्रिक्शन करके उसको उड़ा देता है। और ऐसे करते करते सारी जो चीजें हैं धीरे धीरे कट जाती है, और इसी तरीके से पूरे नदियां नाले पहाड़ सब कट जाते हैं पानी से। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको इस नए एक्सपेरिमेंट मजा आया होगा। आया है तो लाइक जरूर से कर देना, कम से कम हमारे लिए कर देना यार, कब से लगे हुए हैं, पूरा भीग भीग चुके हैं। लेकिन यार ऐसी वीडियोस में मजा भी बहुत आता है और आपको कुछ नया दिखाने को मिलता है तो सच्ची में मजा आता है। तो लाइक कर देना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए, और जिसने वो बेल आइकन नहीं दबाया भाई वो दबा लो, ताकि ऐसी जो मजेदार वीडियोस आपको डालते ही मिल जाएं। जैसे ही वीडियो डलेगी अगले मिनट आपके पास में वीडियो पहुंच जाएगी, अगले मिनट से भी पहले पहुंच जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।